हे गाइस, आपका स्वागत है हरपिकर प्लस के एक और ब्रांड वीडियो में। दोस्तों आज आपका भाई दोबारा से आया हुआ है ऑटो चॉइस और लेकर आया हुआ है आप लोगों के लिए एक ऐसी बेस्ट सेलिंग एसयूवी जो पूरे मार्केट में तहलका मचा के रखी है। जी हाँ दोस्तों, आज लेकर आया हूँ फोर्ड की एंडेवर, वो भी 4x4 वेरियंट में। जिन भाइयों को ऑफ रोडिंग करना था या जिन भाइयों को शहर वगैरह में चलाना था, उनके लिए बहुत ही शानदार एसयूवी हो सकता है। और ये कोई नॉर्मल एंडेवर नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसमें हुआ रखा है। और इसकी जो गाड़ी की प्रोफाइल है वो देखना ही बनती है। अगर आप इसे कहीं पब्लिक में लेके जाएंगे तो गाड़ी को एक ना एक बार लोग पलट के ज़रूर देखेंगे। सारी चीज़ बताने वाला हूँ आपको डिटेल में। स्वागत करता हूँ आर ब्लॉग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। दोस्तों बात करूं अगर डिटेल की तो होने वाली है फोर्ड एंडेवर 2012 का मॉडल, सेकंड ओनर में गाड़ी है और 4x4 वेरिएंट है का जो टॉप एंड वेरिएंट आता है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं आता दोस्तों। गाड़ी का अगर चारों तरफ से आपको दिखाऊं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टिकर्स लगे हुए होंगे जो गाड़ी को बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। साइड में सकते हैं, गाड़ी के चारों टायर डले हुए हैं, वो बिल्कुल न्यू डले हुए हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि गाड़ी लेने के बाद इसके टायर चेंज करवाना पड़े, क्योंकि ऑफ रोड जो भाई करते हैं उनको पता होती है टायर की कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि जब आप ऑफ रोड करते हैं तो आपका टायर बहुत जगह से फट जाता है, लेकिन इसमें जो आपको टायर मिल रहे हैं दोस्तों वो काफ़ी हाई प्रोफाइल मिल रहे होंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी टायर कटने फटने वगैरह की। बाकी अगर गाड़ी की बॉडी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा क्रोम का इसमें काम हुआ है और ये टॉप वेरिएंट है तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको एवरेज का स्टिकर मिल जाएगा, क्योंकि कई देशों में फोर्ड एंडेवर को फोर्ड एवरेज भी बोला जाता है दोस्तों। बाकी अगर बात करूँ डीजल वेरिएंट है, काफ़ी अच्छा एवरेज आपको निकाल के दे सकती है। इस साइज़ के बाद भी आपको 12-13 का एवरेज निकाल के दे देती है। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए देख रहे थे, अगर आपको ट्रैवल वगैरह करना पसंद है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं दोस्तों, तो अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए भी इसे देख रहे थे आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत से लोग इसे प्रेफर नहीं करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि वो टोयोटा फॉर्च्यूनर के पीछे ज़्यादा पागल हैं। बेसिकली टोयोटा फॉर्च्यूनर अच्छी गाड़ी है, लेकिन फोर्ड एंडेवर भी बहुत ही शानदार गाड़ी है और आपको ये उससे कम प्राइस में मिल जाती है। अगर 12 के फॉर्च्यूनर अगर आप लेने जाएंगे तो आपको ईजिली 11-12 लाख रुपए वो पार्टी डिमांड करती है, लेकिन ये गाड़ियाँ आपको 6-7-8-9 लाख के अंदर मिल जाती हैं, जो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और फोर्ड शुरू से ही बहुत ही रिलायबल ब्रांड रहा है दोस्तों। इनकी जो गाड़ियाँ आती हैं, इनके जो हैंडलिंग एक्सपीरियंस है वो आपको किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपके भाई की बात मानिए, कभी कभी इसे भी ट्राई करके देखिए, बहुत ही आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। अब लेके चलता हूँ अंदर, थोड़ी बहुत अंदर की डिटेल्स बताता हूँ आपको, तो ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे, अंधेरा होने वाला, चलिए चलते हैं अंदर। दोस्तों आ चुके हैं फाइनली अंदर, और अंदर से क्या ही माहौल है मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप इसमें बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ही लग्जरी प्रोवाइड करती है इस प्राइस में। सीट देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इस प्राइस में मुझे जो गाड़ियाँ आती हैं जैसे ब्रीज़ा वगैरह आती हैं, मुझे वो इतनी कम्फर्टेबल नहीं लगती हैं। ये है एक प्रॉपर फुल साइज 7-सीटर SUV, और अगर आपका 7 या 8 लाख का बजट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। अंदर से देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा स्पेस है। मैं आपको एक एक सीट का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको आगे से ही बैठ के पूरा ओवरव्यू पीछे का देने की कोशिश करूंगा। एंड जो उसकी लास्ट वो भी है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेस है दोस्तों। अगर आपको कोई 6 फिट का दोस्त है मेरी तरह, तो आप उसे पीछे भी बैठा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो बेचारा परेशान होते हुए अपनी ट्रिप इन्जॉय कर रहा होगा। जैसे कि आगे वाला बंदा इन्जॉय कर रहा है, वैसे ही पीछे वाला बंदा भी इन्जॉय कर रहा होगा। अब यह है टॉप मॉडल 4x4 वेरियंट, देख सकते हैं एंडेवर की बैजिंग भी आपको यहाँ पर दिख सकती है, और काफ़ी वुड फिनिश का यहाँ पे काम हुआ रखा है। ऊपर आपको 2 सनग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं। बाकी ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको इस चीज़ों में टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा। गाड़ी का मीटर दिखाते हैं आपको, गाड़ी चली हुई है 90,000 किलोमीटर देखते हैं। एक मिनट हमारे कैमरा मैन अंदर आते हुए, थोड़ा जूम मार के दिखाते हैं दोस्तों। गाड़ी चली हुई है 90,000 किलोमीटर, वो इस गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ियों का जो इंजन बना रहता है दोस्तों, वो मोस्टली बना रहता है 4-5 लाख किलोमीटर के लिए। एक मिनट लाइट बंद कर देंगे, वो मोस्टली बना रहता है 4-5 लाख किलोमीटर, ये इजिली चल जाती है। गाड़ी में आपको एयरबैग भी मिल जाते हैं, वो भी 2-2 फ्रंट में SRS के एयरबैग, और जो आपको काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। बाकी यार एंडेवर के क्या ही कहने, गाड़ी बहुत ही शानदार है। आपको ऑटोमेटिक पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, चारों पावर विंडो, सब चीज़ें इसके लिए बेसिक हैं। एक म्यूजिक सिस्टम भी है, आपको चालू करके मैं दिखाता हूँ। बस ज़्यादा तो नहीं बजाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। तो दोस्तों कुछ ये रही एंडेवर की बात। अगली वीडियो जो आपको मिलने वाली है, वो मिलने वाली है इनोवा के स्टॉक के लिए, तो आप लोग कितने एक्साइटेड हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और साथ साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बार और डिटेल में आपको बता देता हूँ, गाड़ी है फोर्ड एंडेवर 2012 का मॉडल, सेकंड ओनर में गाड़ी है, 90,000 चली हुई है, 4x4 का मॉडल है, और गाड़ी की जो हमने आस्किंग प्राइस रखे हुए हैं वो रखे हुए 8.5 लाख रुपये।
देखो नेगोशिएबल प्राइस अगर कोई भाई डिस्क्रिप्शन से कॉल करके आता है तो उसके लिए ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि वो कम से कम हो जाए। बस आप जब भी ऑफिस आते हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर बताइए कि मैं अनुराग भाई की वीडियो देख के आया हूँ। अगर आप नहीं बताएंगे तो वो नेगोशिएबल ऑलरेडी है, ऑलमोस्ट है कि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बताते हैं कि आप हमारी वीडियो से आए हैं तो ज़रूर आपके लिए स्पेशल रिगार्ड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और अब कोशिश करूंगा कि गाड़ियों को दोस्तों आके मैं रेगुलरली लेके आता रहूं। और दोस्तों मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मैं नई गाड़ियों की वीडियो बनाऊं? अगर आप चाहते हैं मैं नई गाड़ी की वीडियो भी बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अपना चैनल मैं चाहता हूं अब और ग्रो करे, बाकी लोग तक पहुंच सके और जो मैं गाड़ियां प्रोवाइड करता हूं वो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।